बचपन की यादों को फिर से दोहराएंगे क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पेप्सी कोला। आज की वीडियो में हम 6 अलग अलग तरीके के पेप्सी कोला देखेंगे जो हम स्कूल कॉलेजों में बहुत खाते थे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ऑरेंज फ्लेवर पेप्सी कोला या पेप्सी रोल बनाने के लिए एक बर्तन में 1/4 कप हम यहाँ पे रसना या फिर टैंग डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये रसना का ऑरेंज फ्लेवर यूज़ किया है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप के करीब पानी। पेप्सी कोला बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये जो घोल है वो नॉर्मल घोल से थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो ये हमारा ऑरेंज फ्लेवर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरा फ्लेवर यानी मैंगो फ्लेवर बना लेते हैं। तो इसे मैं हटा देती हूँ और सेम प्रोसेस से हम ये मैंगो फ्लेवर का बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टैंग का ये मैंगो फ्लेवर यूज़ किया है। इसमें पानी डाल दें और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वाला जो घोल है वो नॉर्मल घोल से गाढ़ा होना चाहिए। तो ये मैंगो वाला रेडी। अब हम लेमन वाला बना लेंगे। तो लेमन के लिए मैंने यहाँ पे टैंग का लेमन फ्लेवर यूज़ किया है। इसमें पानी डाल दें। चीनी हमें इसमें तीनों में नहीं यूज़ करना है। इसके बाद मिला दें इसे। तो ये हमारा तीसरा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जहाँ पे हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर। तो उसके लिए यहाँ पे एक बर्तन में 2 चम्मच चीनी डाला मैंने। यहाँ पे मैंने ये रसना का पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है जो कि लिक्विड में मिलता है। तो 1 बड़ा चम्मच ये लिक्विड डाल दें और उसके बाद पानी डाल के हम इसे मिला के डिजॉल्व कर लेंगे। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम चलते हैं रोज़ वाला फ्लेवर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बर्तन में 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ये रोज़ फ्लेवर का रसना डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के 1 कप के करीब पानी डाल दें और उसके बाद चीनी को अच्छे से डिजॉल्व कर लें। तो ये हमारा रोज़ फ्लेवर का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम कोला फ्लेवर बनाएंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट आप इसमें पेप्सी या थम्सअप डाल दें या फिर अगर आपको रसना का कोला वाला फ्लेवर मिलता है तो आप उसे मिला के बना लें। तो यहाँ पे हमारे 6 सिरप जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका रोल बनाते हैं। तो रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पेप्सी रोल लिया है। ये देखिए रेडीमेड मिलता है मार्केट में। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है और 400 रुपये में आपको इतना बड़ा रोल मिलेगा। तो आप पूरी गर्मियों में पेप्सी रोल बना के खा सकते हैं इस रोल से। तो रोल को क्या करेंगे कि एक कोने को ऐसे बांध दें और उसके बाद बराबर हिस्सों में इसे काट लें। जितना बड़ा आपको स्टिक चाहिए उतना बड़ा आप इसे काट लें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे कैंडल से या फिर इसकी मशीन आती है चिपकाने वाली, मैं एकदम सेफर साइड कैंडल वगैरह नहीं यूज़ करना है, बस दोनों साइड हम गांठ लगाएं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे एक बराबर ये सारे प्लास्टिक को कट करके रख ले आप पहले। नॉट जो है वो आप अच्छे से बांधें ताकि सिरप जो है वो लीक ना हो। तो यहाँ पे ये मैंने इतने सारे प्लास्टिक रोल बना लिए हैं। अब हम इसमें ये सिरप भर के और उसके बाद बांध लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पाइनएप्पल फ्लेवर कितना कलरफुल दिख रहा है। बस बहुत ज़्यादा नहीं भरे, इतना कि आप इसे बांध सके। फिर यहाँ पे ऐसे पकड़ के और अच्छे से गांठ लगा दें। तो है ना इजी से बनाना, कोई कैंडल वगैरह या मशीन की ज़रूरत नहीं है। और कैंडी का लुक देने के लिए दोनों साइड से कट कर दें। तो ये हमारा पाइनएप्पल और सेम प्रोसेस से ऑरेंज बना लेंगे। इस पेप्सी कोला से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है क्योंकि बचपन में ये 50 पैसे और 1 रुपये का मिलता था सारे फ्लेवर का, और बहुत ही मज़ा आता था इसे खाने में। और आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो अगर आप उस जनरेशन से हैं जब ये पेप्सी कोला बहुत पॉपुलर हुआ करता था या आपका फेवरेट हुआ करता था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों की यादें जो है वो भी तरोताज़ा हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने तीसरा वाला पैक कर दिया है, कट कर लेती हूँ। आप में से कुछ व्यूवर्स ये भी बोलेंगे कि कविता तुमने ये क्या बनाया है, बस रसना और टैंक को खोला है और पैकेट में भर दिया है, ये भी कोई रेसिपी है? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी नहीं मतलब ये प्रोसेस को ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं और उनके थ्रू अपना बचपन देखें। मेरे इस वीडियो बनाने का यही मकसद है और कुछ भी नहीं है। आप जब ये कैंडी बना के अपने बच्चों को देंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो देख के आप खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे रोल्स को ऐसे भर लेती हूँ मैं, और ये लास्ट में हमारा ये मैंगो फ्लेवर। तो ये हमारे सारे रोल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए, तब मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 12 रोल बनाए हैं, एक एक फ्लेवर के 2 रोल। तो यहाँ पे ये रोज़ वाला और इसके बाद ये पाइनएप्पल रख देती हूँ। आप चाहें तो बाकी कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। तब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए। तो फ्रीज़र में 8 से 10 घंटा रखें, और फ्रीज़र में रखने का तरीका जो है वो इसे आइस ट्रे पे रखें तो ये जल्दी जमेगा। ऐसे करके आप इसे फ्रीज़र में रख दें ताकि ये जल्दी सेट हो जाए। 10 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा पेप्सी कोला चुस्की या फिर पेप्सी रोल बोले ये तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं एक बार एक सीज़र से कट करके दिखाती हूँ कि ये सेट हुआ कि नहीं। वैसे तो ये देख के लग रहा है कि सेट हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे ही गारंटी के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से जमा है ये।
तो बचपन की यादों को फ्लैशबैक में ले जाने वाला ये हमारा पेप्सी कोला रेडी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।